दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर चलने वाला हूं आपको मुंबई के एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम एम्यूजमेंट पार्क में, जो कि एशिया के टॉप एम्यूजमेंट पार्क में से एक है। और साथ में आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि कब जाए, कैसे जाए, कौन सा टिकट कहां से परचेज करें, कौन कौन सी राइड आपको वहां पर करनी चाहिए। ये ए टू जेड फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पब्लिक गाइड टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और पब्लिक गाइड टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मुंबई घूमने के लिए आते हो तो एक बार एसएल वर्ल्ड भी जरूर आए, जो कि बोरीवली वेस्ट के गुराई बीच में है। बोरीवली वेस्ट में आने के लिए आप मुंबई की लोकल ट्रेन से आराम से आ सकते हैं, और वहां से आप गुराई बीच के लिए बस, ऑटो या फिर टैक्सी भी कर सकते हैं। गुराई बीच से आपको एसएल वर्ल्ड की फेरी लेकर जाती है, जिसका रिटर्न टिकट 100 रुपीज पर पर्सन का रहता है, और यहीं से आप पगोड़ा भी जा सकते हैं। वैसे मैंने पगोड़ा के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहे तो मेरी उस वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। ये सामने एसएल वर्ल्ड एंड वाटर किंगडम पार्क का मेन एंट्री गेट है। यहां पर आपकी और आपके लगेज की चेकिंग होती है। उसके बाद ये सामने एसएल वर्ल्ड का टिकट काउंटर है, यहीं से आपको टिकट लेना होगा। आप चाहे तो एसएल वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट के जो प्राइजेस है वो चिल्ड्रन एंड एडल्ट टू कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहले बात करते हैं चिल्ड्रन एंट्री फीस की। देखिए, जिन बच्चों की हाइट 3 फीट 3 इंचेस से लेकर 4 फीट 6 इंचेस तक होती है, उनकी टिकट प्राइस 290 रुपीज से लेकर 945 रुपीज तक होती है। एडल्ट्स के टिकट की बात करें तो उनका टिकट प्राइस 290 रुपीज से लेकर 1405 रुपीज पर एडल्ट तक होता है। अगर आप राइड्स, फूड, मर्चेंडाइज चाहते हैं तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप 290 रुपीज वाला टिकट ले, उसमें 90 रुपीज आपका एंट्री चार्ज होता है और 200 रुपीज आपके कार्ड में बैलेंस मिलता है। आप वहाँ पर जो भी राइड्स, एक्टिविटी करते हैं या फिर फूड खाते हैं तो आपके कार्ड से ही बैलेंस कटेगा। अगर फिर भी आप अपने कार्ड में और बैलेंस ऐड करवाना चाहते हैं तो जगह जगह पर एसएल वर्ल्ड के काउंटर बने हुए हैं, आप चाहे तो कैश देकर अपने कार्ड में बैलेंस ऐड करवा सकते हैं, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। दूसरा, इनका जो टिकट प्राइस है वो सिल्वर के नाम से है। चाइल्ड के लिए ये टिकट 530 रुपीज एंड एडल्ट के लिए 885 रुपीज पर पर्सन का होता है। तीसरा, टिकट प्राइस 900 रुपीज पर चाइल्ड एंड 1170 रुपीज पर एडल्ट का होता है, जो कि फास्ट टैग प्लस सिल्वर के नाम से रहता है। फास्ट टिकट प्राइस की बात करें तो 945 रुपीज पर चाइल्ड एंड 1405 रुपीज पर एडल्ट का होता है, जिसमें आप एसएल वर्ल्ड एंड वाटर किंगडम दोनों जगहों पर सेम डे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सेम डे एसएल वर्ल्ड की राइड्स एंड वाटर किंगडम की राइड्स करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यही वाला कंबाइंड टिकट परचेज करें। टाइमिंग की बात करें तो एवरीडे 10 AM टू 6:30 PM तक एसएल वर्ल्ड ओपन रहता है। वहीं अगर आप लोकल मुंबई के रहने वाले हैं तो आप इनका एनुअली प्लान भी ले सकते हैं, जिसका टिकट प्राइस 1640 रुपीज पर चाइल्ड एंड पर एडल्ट दोनों के लिए सेम रहता है, जिसमें आप साल में 3 बार एसएल वर्ल्ड प्लस वाटर किंगडम पार्क में ऑल राइड्स एंड ऑल एक्टिविटी कर सकते हैं। चलिए अब घूमते हैं एसएल वर्ल्ड। ये सुपर टेली कॉम्पैक्ट राइड्स, जिसका प्राइस 75 रुपीज पर एडल्ट है। ये जो राइड्स है, इन सब में एवरी पर्सन की हाइट 4 फीट 6 इंचेस की होनी चाहिए, तभी आप राइड्स कर सकते हैं। ये शॉर्ट एंड ड्रॉप राइड, इसका प्राइस भी 75 रुपीज पर एडल्ट। डियर गेस्ट्स, होप यू आर रेडी टू एंजॉय दिस राइड। कीप योर हेड बिहाइंड एंड सिट स्ट्रेट एंड एंश्योर योर शोल्डर बार इज लॉक्ड एंड द काउंटडाउन बिगिंस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ये थुंदर राइड है,
जिसका प्राइस 90 रुपीज पर एडल्ट है। ये टॉप स्पिन राइड भी 90 रुपीज पर एडल्ट है। ये हुला लूप राइड्स है, इसका प्राइस 75 रुपीज पर एडल्ट है। ये है स्लैम बॉब, इसका प्राइस भी 75 रुपीज पर एडल्ट है। क्रेजी कप्स राइड, इसका जो प्राइस है वो 60 रुपीज पर एडल्ट है। SL World के अंदर आपको कुछ इस तरह की शॉप देखने को मिलेगी जहां से आप अपने बच्चों के लिए टॉयज ले सकते हैं। मल्टी एक्टिविटी आर्ट एंड क्राफ्ट जोन स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड बाय SL World। बिना किसी हेजिटेशन के यहां सेंटर सर्कल में आए और सारी एक्टिविटीज आप एंजॉय कर सकते हैं यहां पे। SL World घूमने के बाद अब चलते हैं सीधा वाटर किंगडम की तरफ। SL World से वाटर किंगडम की तरफ ये टॉय ट्रेन आपको फ्री में लेकर जाती है। वाटर किंगडम में अंदर आने के बाद आपको एक बहुत बड़ा लॉकर एरिया नजर आता है जहां पर आप अपना सामान रख के लॉक कर सकते हैं। और फिर जैसे ही आप वाटर किंगडम की तरफ एंट्री मारोगे तो कुछ ऐसा नजारा आपको दिखाई देगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको ब्लैक ह्यूमन राइड पर लेकर चलता हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है। लेट्स गो। अभी हम आ चुके हैं इस वाटर पार्क के सबसे फेमस 90 डिग्री स्लाइड पर। इसे करने के बाद सेम ऐसा फील होता है जैसे कि डर के आगे ही जीत हो। अभी हम आ चुके हैं वाटर कोस्टर स्लाइड पर। इस वाटर पार्क की यह स्लाइड सभी की फेमस स्लाइड है, इसलिए इस वाली स्लाइड को आप जरूर ट्राई करना। अभी हम पार्क की जिस लोकेशन पर है यह जगह सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है क्योंकि यहाँ का ये ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल सभी को बहुत पसंद आता है। और यहाँ पर चाइल्ड से लेकर एडल्ट तक सभी के लिए अलग अलग स्लाइड बने हुए हैं। वाटरफॉल एंट्री करने के बाद मैं निकल पड़ा कुछ खाने के लिए। वाटर किंगडम में आपको हर जगह पर रेस्टोरेंट नजर आएंगे। यहाँ पर आपको वेज थाली 250 रुपए में मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर पाव भाजी ऑर्डर की थी जिसका प्राइस 125 रुपए था। एक बात और, यहाँ बाहर से फूड लाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अभी हम आ चुके हैं वाटर किंगडम के वे पुल में जो कि काफी बड़ा है, और इसी पुल के आसपास में सभी राइड्स बने हुए हैं। और ये वे पुल इस वाटर पार्क का मेन अट्रैक्शन है। अभी हम वाटर किंगडम के एक स्पेशल जगह पर है जिसका नाम है अमेजन एडवेंचर। अगर आप रेन डांस करने के शौकीन हैं, तो वाटर किंगडम में आपके लिए बहुत बड़ा रेन डांस एरिया बना हुआ है जहां पर सभी टूरिस्ट डांस का मजा लेते हैं। रेन डांस करने के बाद मैं निकल पड़ा ट्यूब राइड करने के लिए जो काफी अमेजिंग और बहुत ही एडवेंचर राइड है। अगर आप खाली वाटर किंगडम पार्क में आना चाहते हैं तो एडल्ट को 1,115 रुपीज का टिकट एंड चाइल्ड को 700 रुपीज का टिकट लेना पड़ेगा जिसमें फूड इंक्लूड नहीं रहता है। फूड आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा और लोकर का 190 रुपीज चार्ज लिया जाता है। और यहाँ पर आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम बाय भी कर सकते हैं या फिर आप 150 रुपीज में रेंट पे भी ले सकते हैं। अगर आप वाटर किंगडम सैटरडे संडे वीकेंड्स पर आ रहे हो
तो यहाँ पर टिकट लेने में आपका काफी टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए आपसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन ही अपना टिकट बुक करें। वीकेंड्स में रश ज्यादा होने के कारण आपको स्लाइड के लिए थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी वाटर किंगडम पार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये एसएल वर्ल्ड एंड वाटर किंगडम की वीडियो कैसी लगी है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर फिर भी एसएल वर्ल्ड एंड वाटर किंगडम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.publiceyetips.com पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल टेक केयर एंड बाय बाय।